यारा जी पार्ट थ्री आ गया तुम लोगों की बगैरतियां सुनते सुनते। पार्ट थ्री ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू पीपल हैव डन। मैंने पहले ही कहा था दिमागी तवाजुन नहीं ठीक तुम लोगों का। भाई की शलवार कमीज स्कूल लेके गई थी, वहां घुमा दी, अगले दिन मेरे सर वही पहन के आए हुए थे। देखो तुम स्कूल फोन भी लेके जाओ ना तो समझ आती है शोखी मारने लेके जा रहे हो। भाई की शलवार कमीज कौन लेके आता है भाई? इसमें ना सर सबसे बेहतर है, उसने मौके पे चौका मारा, मुफ्त में शलवार कमीज मिल गई अगले को। तुम कुछ कह के उतरवा भी नहीं सकती। ओ बिस्मिल्ला जी, डिटेल स्टोरी आई भैया, पढ़े। द बैक ऑफ द मस्जिद दिस अंकल केम टू प्रे एंड हैड अ कलरफुल नारा। मैंने पहली बार देखा था कलरफुल नारा एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पुल्ड इट। अंकल की शलवार नीचे आ गई थी। आई रैन फॉर माई लाइफ आफ्टर दैट। बेचारे अंकल पे मुझे तरस आ रहा है। नहीं मैं ये सोच रहा हूँ तुमने क्या एक्सपेक्ट क्या किया था भाई, नाड़ा खींचोगे तो क्या होगा, जाहिर शलवार ही नीचे आनी है। BTS के सारे मेंबर से शादी हुई हुई है, ओनली आई नो। मूविंग ऑन। सर की टेंट पे स्टिकी नोट लगा दिया तो उन्हें पता भी नहीं चला। नहीं सर के सर तक हाथ कैसे गया तुम्हारा? सर मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने स्टिकी नोट पे लिखा क्या था। एक दफा शैम्पू को फेस वॉश समझकर मुंह पे लगा लिया था। तुम ये बात कर रहे हो, मैंने शेविंग क्रीम से दांत साफ किए हुए हैं। मेरी कजन ने चूंटी खिला दी थी ये कहकर के तुम पतली हो जाओगी। अर ना किया करो पतले होने के लिए पुठे काम, मैं पहले भी कह चुका हूँ जिससे तुम्हारी शादी होनी होगी ना वो तुम वेड़े से भी शादी कर लेगा। प्लेस्ड कोक विद उबली हुई पत्ती एंड सर्व्ड इट टू गेस्ट जो रिश्ता लेने आए हुए थे। अजी वो रिश्ता लेने आए थे, मना कर देती चौके नहीं ले जाना था अगलो ने। अकलमंद बनने के चक्कर में गलती से ICS रख ली है। कर करो अभी ICS ही रखी है, प्री मेडिकल का ज्यादा रोल है। ज्यादा कुछ नहीं, बस नेबर्स की न्यू कार पर रात को स्क्रैचेस लगाए थे नाइफ से। मूवीज में जो विलन्स होते हैं ना उनका बचपन इस तरह का गुजरता है, वो ये हरकतें करते हैं, अल्लाह खैर ही करे। कार में अम्मा समझकर किसी और आंटी की चादर पकड़ ली थी। यार ये तो फिर ठीक है, मैं अपनी कजन समझ के किसी रैंडम आंटी को ठोंगे मार के बुला रहा था और साथ उसका शोहर खड़ा हुआ था। उसने मुझे इतनी गंदी घूरी कराई और मेरे वही हंसी छूट गई थी। शुक्र है अगला सीरियस नहीं होगा, मुझे कुट पड़ जानी थी वरना। किसी के घर की बेल बजाई और भागने लगा था तो बाइक ही नहीं स्टार्ट हुआ और अगलों ने दरवाजा खोल दिया। यार इसका ये तरीका होता है वहीं पे ही खड़े हो जो, और जब वो तुमसे पूछे कि तुमने बेल बजाई है तो बोलो नहीं वो बच्चे थे वो आगे भाग गए हैं। अपनी दोस्त को वॉशरूम में बंद कर दिया और उसने बाहर निकल के लाते मारी मुझे। देखो अगर मैं होता ना तुम्हारे दोस्त की जगह, मेरा डिटो यही रिएक्शन होना था। मैंने अपने सर को पापा बोल दिया था, शुक्र करो डैडी नहीं बोल दिया। रात को मैंने अपनी छोटी बहन के बाल काट दिए थे और अगले दिन उसने मेरे बाल काट दिए। ठीक है ना, हिसाब बराबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पापा का फोन चेक करके मामा को बताती सबको, जो जिस दिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा फोन चेक कर लिया ना लग समझ जानी है। फिर मैंने एक बार गलती से अपनी छोटी बहन की उल्टी पी ली थी। कैसे? ये आधी अधूरी बातें ना किया करो, दिमाग में अजीब अजीब स्टोरीज चल जाती हैं फिर। यार ये वाला बहुत डीप है, जरा सुनना। व्हाई यू नॉट रिप्लाइंग आवर मैसेजेस? यू हैव टू रिप्लाई अस बट यू नॉट, इट्स बैड, वेरी बैड। बाजी मुझे इसकी कख समझ नहीं आई, DM की खाक समझ आई। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे और अल्लाह हाफिज़।